my students, I am continuing with the solution. Today, I am going to tell you experimental determination of osmotic pressure. हम एक्सपेरिमेंट करके ये ऑस्मोटिक प्रेशर किसी सोल्यूशन का कैसे निकाल सकते हैं एंड मॉलिक्यूलर वेट डिटरमिनेशन ऑफ अ सोल्यूट, ठीक है, फ्रॉम किससे निकालना है, फ्रॉम ऑस्मोटिक प्रेशर। ऑस्मोटिक प्रेशर की हेल्प से हम ये मॉलिक्यूलर वेट डिटरमिनेशन कैसे कर सकते हैं। ओके, बहुत आसान है बेटा, आई थिंक आपको चैप्टर बहुत आसान लगा होगा। नो, देखो बेटा, पहली तो ये एक्सपेरिमेंट, ये एक मेथड है, इसको बोलते हैं वर्कले एंड हॉटलेज मेथड। ये बेटा आजकल आपके सिलेबस में ये मेंशन नहीं है, ठीक है, पहले होता था, हमने भी जब पढ़ते थे हमने भी पढ़ा हुआ है ये, है वर्कलेज एंड हॉटलेज मेथड, लेकिन अभी ये जस्ट आपको नॉलेज के लिए बता रहा हूं, नॉट इन सिलेबस। ओके, ये सिलेबस में नहीं है। तो देखो कैसे करते हैं, इसमें हम कैसे, ये सिंपल सा तरीका है, ये हमारे पास एक ऐसे इस तरह का ऑपरेटस है, पूरा बना के फिर समझाता हूं। ये ऐसे ऑपरेटस है, इसमें ये साइड ट्यूब लगी हुई है, ठीक है, इसमें ये स्टॉपर है जिसे हम रोक सकते हैं, और इसमें हम इसकी हेल्प से हम वाटर डाल सकते हैं इसमें। तो ये इस ये सिलेंड्रिकल ऑपरेटस है, इसके दो पार्ट हैं, एक इंटरनल सिलेंडर है, एक एक्सटर्नल, मतलब बड़े सिलेंडर के अंदर छोटा सिलेंडर है, और ये जो दोनों जो सिलेंडर हैं दे आर सेपरेटेड फ्रॉम ईच अदर बाई ए सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। ये सेमी परमेबल मेम्ब्रेन है बेटा, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन है, समझा गया, ये वाला, ठीक है, इसका मतलब समझते हो आप, जिससे सॉल्वेंट निकल सकता है, सल्यूट नहीं निकल सकता। इसके ऊपर जहां ऐसे लगा हुआ है, और इसके साइड में ये ऐसे गेज है, और जहां पे पिस्टन है बेटा, पिस्टन का आप मतलब समझ गए आप, दिस इज पिस्टन, ऊपर से प्रेशर लगाने के लिए पिस्टन लगाया हुआ है, और जहां पर ये एक साइड में गेज है बेटा, दिस इज गेज, है जी, गेज जी, प्रेशर गेज, यानी के प्रेशर गेज है ये, मतलब समझ गए हो, प्रेशर को नोट करने के लिए GAUGE गेज, GAUGE गेज, गाजनी गेज, GAUGE पढ़ लेना उससे नोट से। तो जहां पर ये डायरेक्शन लगी हुई है, नो ध्यान से सुनो, ये जो इंटरनल पार्ट है इसमें एक साइड ट्यूब लगी हुई है, इधर ये साइड ट्यूब है, ठीक है, ये अंदर है, ये इसके अंदर प्योर वाटर है, दिस इज प्योर वाटर, अगर किसी और सॉल्वेंट को भी यूज कर सकते, दिस इज प्योर वाटर, प्योर वाटर, यानी वाटर इज यूज्ड एज ए सॉल्वेंट हियर। और ये साइडों पे, ये जो साइडें हैं, ये आउटर, मैं साइडें गलत बोल गया, आउटर पार्ट, ये सोल्यूशन है, वो कौन सा सोल्यूशन, जिसका ऑस्मोटिक प्रेशर हमने निकालना है, जिस सोल्यूशन का आपने ऑस्मोटिक प्रेशर निकालना है, ये सोल्यूशन है, उसका सोल्यूशन बनाया हुआ वाटर में, अंदर प्योर वाटर है, बाहर सोल्यूशन है, और ये पूरा सोल्यूशन से भरा हुआ है, राइट, ये प्योर वाटर, मेरी बात समझ गए, ये सेमी परमेबल मेम्ब्रेन है, सिर्फ समझना है, ठीक है, ये सेमी परमेबल मेम्ब्रेन है, ये दो सिलेंडर है, ये समझ लो एक छोटा पाइप है और उसके ऊपर बड़ी पाइप है, अंदर छोटी पाइप, उसके ऊपर बड़ी पाइप, और दोनों पाइप के बीच में सेमी परमेबल मेम्ब्रेन है, दे आर सेपरेटेड फ्रॉम इच अदर बाई ए सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। ओके, वाटर जहां से आ, ये वाटर है,
जितना वाटर इधर डालना चाहें, ये लेवल है, ठीक है। अब देखो क्या होगा, जब आपको मालूम है ये सोल्यूशन है और ये वाटर है, किसका वेपर प्रेशर ज्यादा है, इसका ज्यादा है, इसका कम है, तो सॉल्वेंट मॉलिक्यूल क्या करेंगे, यहां से इधर जाना चाहेंगे, लेकिन जा नहीं सकेंगे। क्यों? क्योंकि ऊपर पिस्टन लगाया हुआ है, उसको दबा के रखा हुआ है, फिक्स करके रखा हुआ है, ऊपर नहीं जाने देंगे। लेकिन ये प्रेशर तो लगाएंगे ना, जोर तो लगाएंगे ना, दे लाइक टू गो आउट, ये सारा जाना चाहते हैं लेकिन जा नहीं रहे, लेकिन प्रेशर क्रिएट कर रहे हैं। उस प्रेशर क्रिएट करने से जो सोल्यूशन है उसमें प्रेशर हो गया, और कितना प्रेशर हुआ वो गेज बता देगी हमें, ये गेज दिखाएगी इसमें ये यानी स्केल है, ये बताएगी कितना गेज है भाई आपका, कितना अंदर प्रेशर बना। तो वो जो प्रेशर आपने एक्सपेरिमेंट डिटरमाइन कर लिया, दैट इज ऑस्मोटिक प्रेशर। तो आपने एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइन कर लिया, कैसे, वर्कले एंड हार्टलेस मेथड। मैं फिर समझाता हूं, ध्यान से सुनना, ठीक है। एक और वीडियो से ये आपकी चैप्टर खत्म हो जाएगा, ठीक है। देखो बेटा, ये वर्कले एंड हार्टलेस मेथड है, इसमें क्या करते हैं, ये हमारा ये ऐसा नाम है दो साइंटिस्ट का जिन्होंने ये मेथड दिया, ठीक है, ऑस्मोटिक प्रेशर निकालने का। तो ये एक अंदर सिलेंडर है, एक उसके बाहर सिलेंडर है, और जो दो सिलेंडर के बीच में सेमी परमीबल मेम्ब्रेन है, और जो अंदर वाला सिलेंडर है दैट इज कनेक्टेड विद द साइड, ये आपका वाटर डालने के लिए सिस्टम बनाया हुआ है, और उसकी ये साइड ट्यूब टी लगाई हुई, ठीक है। और जिस सोल्यूशन का हमने ऑस्मोटिक प्रेशर डालना है वो हमने इधर डाल देना है, जिसका निकालना है। आप मेरे पास कोई सोल्यूशन लाएंगे, सर इसका ऑस्मोटिक प्रेशर कितना होगा, उसको डाल देंगे इधर, ठीक है, डाल देंगे। तो जब डालेंगे तो वाटर इधर से इधर जाना शुरू कर देगा, क्योंकि इधर वाटर का वेपर प्रेशर ज्यादा है, इधर कम है, ये प्रेशर लगाएगा। लेकिन ये सोल्यूशन पूरा भरा हुआ है और ऊपर पिस्टन भी लगाया हुआ है, देयर इज नो स्पेस, ये जा नहीं सकता, लेकिन प्रेशर तो करेगा ना, उसको जोर तो लगाएगा ना, उस साइड को फोर्स लगाएगा, उस साइड को जाने की फोर्स लगाने से ये जो एक्सटर्नल है, एक्सटर्नल सिलेंडर जो है उसके अंदर प्रेशर हो जाएगा। कितना प्रेशर होगा ये गेज बता देगी, और वो जो प्रेशर आप नोट कर लोगे दैट इज द ऑस्मोटिक प्रेशर। हो गया बेटा, आई थिंक यू हैव अंडरस्टूड। नाउ नेक्स्ट है बेटा, जो दूसरा पार्ट मैंने बताया, मॉलिक्यूलर वेट डिटरमिनेशन। देखो मॉलिक्यूलर वेट डिटरमिनेशन इसमें हम कैसे करते हैं, मॉलिक्यूलर वेट डिटरमिनेशन में बहुत आसान है, बहुत इजी है, ठीक है। तो देखो इधर पहली तो बात यह है, ये जो आपका ऑस्मोटिक प्रेशर है, ऑस्मोटिक प्रेशर प्रेशर, ठीक है, ये इसको पाई से लिखते हैं बेटा हम, है पी से भी लिख सकते हैं लेकिन पाई से लिखते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर को, है। तो जो ऑस्मोटिक प्रेशर है वो डिपेंड करता है, आपको मालूम है किस पर डिपेंड करता है, डिपेंड अपॉन अपॉन फर्स्ट कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन मतलब देखो, और दूसरा टेम्परेचर, ये दो चीजों पर डिपेंड करता है ऑस्मोटिक प्रेशर। अब मैं पीछे से समझा दूं, देखो कैसे, देखो अगर ये तो प्योर वाटर है, ये आपका ये जितना सोल्यूशन ज्यादा कंसंट्रेटेड होगा इतना इसका वेपर प्रेशर कम होगा, इतना ये सॉल्वेंट इधर से इधर ज्यादा जाएगा उतना ज्यादा ऑस्मोटिक प्रेशर होगा। मेरी बात समझिए, इन दो के बीच में जितना डिफरेंस ज्यादा होगा कंसंट्रेशन का, ये अंदर तो प्योर ले लिया ना हमने, बाहर का सोल्यूशन जितना ज्यादा कंसंट्रेट होगा इतना सॉल्वेंट इधर से इधर जाएगा उतनी ऑस्मोटिक प्रेशर ज्यादा होगा, एक बात। दूसरा टेम्परेचर, आपको मालूम है अगर आप इसका टेम्परेचर पहले 20 डिग्री था, सपोज आपने कितना कर दिया 40 डिग्री, 40 डिग्री से वाटर का टेम्परेचर बढ़ने से वेपर प्रेशर बढ़ता है या कम होता, बढ़ता है, इसका वेपर प्रेशर ज्यादा बढ़ेगा, इसका भी बढ़ेगा, इसका ज्यादा बढ़ेगा, तो टेम्परेचर बढ़ाने से भी ऑस्मोसिस बढ़ती है। तो ये ऑस्मोटिक प्रेशर जो है इट डिपेंड्स अपॉन दीज टू थिंग्स, कंसंट्रेशन एंड टेम्परेचर, इन दो चीजों पर डिपेंड करता है। मेरी बात समझ गए आप? नो देखो बेटा, ये जो ऑस्मोटिक प्रेशर है पाई, मैंने आपको बता दिया, मैं अब आपको मैथमेटिकली डिस्कस कर रहा हूं आपके साथ, मैथमेटिकली
मैथमेटिकली, कई बार यहां पाई की जगह पी लिख लेते हैं, आपके जो पीडीएफ है उसमें मैंने पी लिखा हुआ, पाई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन एंड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर, दोनों पर जितनी ज्यादा कंसंट्रेशन होगी इतना आसमान प्रेशर ज्यादा होगा, जितना ज्यादा टेम्परेचर होगा इतना, दोनों को कंबाइन कर लो तो पाई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सी एंड टी। ठीक है, इसको तोड़ लो, ये पाई इज इक्वल टू, इसको लिख लो आर सी टी, आर सी टी, आर इज ए गैस कॉन्स्टेंट, जहां हमने वो गैस गैस कॉन्स्टेंट है, पता क्यों है, क्योंकि जहां पर जो हम बात तो लिक्विड की कर रहे हैं लेकिन जो मूव कर रहे वो क्या है, वेपर, वेपर आर बिहेविंग एज ए गैस, इसलिए आर लिख लिया इसकी, आर इज ए प्रोपोर्शनल कॉन्स्टेंट कॉल्ड एज ए गैस कॉन्स्टेंट। नाउ आई कैन राइट पाई इज इक्वल टू सी आर टी लिख लिया, व्हाट इज सी, कंसंट्रेशन, पता ना सी क्या है, कंसंट्रेशन, आर क्या है, गैस कॉन्स्टेंट, टी क्या है, टेम्परेचर। तो कंसंट्रेशन किसी भी सोल्यूशन के कैसे निकलती है, एन वाई वी, एन वाई वी क्या, एन इज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए सोल्यूट प्रेजेंट पर यूनिट ऑफ वॉल्यूम, आर टी दिस इज कंसंट्रेशन, सी जो है दैट इज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए सोल्यूट डिजॉल्व पर लीटर ऑफ अ सोल्यूशन, कंसंट्रेशन एन बाई वी। ठीक है, तो मैं इसको क्रॉस मल्टीप्लाई लिखता हूं, पाई वी इज इक्वल टू एन आर टी, ये हमारे पास एक इक्वेशन आ गई, पाई वी इज इक्वल टू एन बी एन आर टी, इस इक्वेशन को हम बोलते हैं वेंट हाफ इक्वेशन, वेंट हाफ इक्वेशन, दिस इज कॉल्ड वेंट हाफ इक्वेशन। इसकी जगह हम कई बार पी लिख लेते हैं, बेटा मैंने आपके जो पीडीएफ बनाया उसमें पी लिखा, लेकिन आप पाई लिखे, ठीक है, इट इज बेटर। नाउ नेक्स्ट है डिटर्मिनेशन ऑफ, डिटर्मिनेशन ऑफ मॉलिक्यूलर मास, मॉलिक्यूलर मास ऑफ ए सल्यूट, ऑफ ए सल्यूट। देखो बेटा मैं ये इसी इक्वेशन को यूज कर रहा हूं, पाई इज इक्वल, पाई इंटू वी इज इक्वल टू, इज इक्वल टू एन आर टी, एन इज द नंबर ऑफ मोल्स, आर इज द गैस कॉन्स्टेंट, टी इज द टेम्परेचर, पाई आसल प्रेशर, वी इज द वॉल्यूम। ठीक है, जहां से आ गया तो हम कहते हैं सपोज 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 डब्ल्यू वी वेट ऑफ सल्यूट, सल्यूट डिजॉल्व, जो सल्यूट है जो हमने डिजॉल्व किया जिसका मॉलिक्यूल मास निकालना है उसका डब्ल्यू बी है, ठीक है, हैं, इन वी लीटर ऑफ सॉल्यूशन, उसको वी लीटर ऑफ सॉल्यूशन में हमने डिजॉल्व किया हुआ, ओके बेटा वी लीटर ऑफ सॉल्यूशन में डिजॉल्व किया। तो अब मुझे बताओ ये रिलेशन लिख लगा मैं, पाई पाई इज इक्वल टू एन आर टी वाई वी, ठीक है, एन वाई वी, ठीक है, तो ये एन आर टी है, तो एन वी नंबर ऑफ मोल्स है, एन वी एन क्या है नंबर ऑफ मोल, अब मैं बी लिख लेता हूं क्योंकि मैंने बी लिखा ना इधर, नहीं लिखना नहीं लिखो बी, व्हाट इज एन वी, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, तो नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट कैसे निकालते हैं, दैट इज इक्वल टू वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन मोलर मास, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, तो दैट इज डब्ल्यू वी अपॉन एम, एम क्या है मोलर मास, बी लिख लो, इसको बी लिखा इसको बी लिख लो, मोलर मास एम बी क्या है मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, अरे नंबर ऑफ मोल ऐसे निकालते हैं ना, गिवन वेट ऑफ द सॉल्यूट डिवाइड बाय द मोलर मास, दिस इज डब्ल्यू बी बाय एन बी, तो पाई इज इक्वल टू एन वी, एन वी आर टी वाई वी, व्हाट इज एन बी, एन बी जे है, एन बी की वैल्यू लिख लो, पाई इज इक्वल टू डब्ल्यू बी अपॉन एम वी इंटू आर टी वाई वी, ठीक है, दिस इज इक्वल टू है, इसको दोबारा लिख लो, ये डब्ल्यू बी वाई एम बी आ गया, तो पाई, तो ये एम वी को इधर ले लो, तो एम वी क्या है, एम बी है डब्ल्यू वी इंटू आर इंटू टी डिवाइड बाई पाई, पाई नीचे आ जाएगा,
वी इज द वॉल्यूम, अरे मॉलिक्यूल मास निकल गया किसका, सॉल्यूट का, कैसे निकला, डब्ल्यू बी द सॉल्यूट जो हम सॉल्यूशन बनाएंगे ऑस्मोटिक प्रेशर के लिए, जो मैंने अभी आपको बताया ये मेथड, ये जो सॉल्यूशन बनाओगे इधर, ये वाला जो बताया था इसमें, ये तो प्योर वाटर है ना, तो ये तो कांस्टेंट, ये प्योर जो जिसकी सॉल्यूशन बनाओगे उसमें आपने सॉल्यूशन में कितना सॉल्यूट डाला है, ठीक है, आर गैस कांस्टेंट फिक्स है, इसका टेम्परेचर कितना रखा हुआ है वो भी मालूम हो गया, इसका वॉल्यूम कितना लिया आपने सॉल्यूशन का वो भी मालूम हो गया, पाई जो वैल्यू है वो हम इस एक्सपेरिमेंट से निकाल लेंगे, पाई की वैल्यू आ जाएगी, पाई भी निकल गया, मॉलिक्यूलर मास निकल गया, यू गेट द मॉलिक्यूलर मास ऑफ ए सॉल्यूट बाय मेजरिंग द ऑस्मोटिक प्रेशर। आई थिंक आपको बात समझ आ गई होगी, नहीं समझ आ गई, चैप्टर कल खत्म हो रहा है, तो आप मुझे मतलब इट विल बी फिनिश्ड विद मोर वीडियो, तो उसके बाद मेरे से पूछ सकते हो आप, जो चीज नहीं ना समझ आई उसको रिवीजन के लिए कह सकते हो। ओके बेटा।